गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ देखिए, मैं बना रही हूँ बिस्किट्स का केक आज, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो बस मैं नॉर्मल सिंपल जैसे कुकर में बनाते हैं ना घर पे, वैसे ही बनाऊंगी। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने फिर ले लिया ये बेकिंग पाउडर ले लिया है, और ये खाने वाला सोडा ले लिया है। इनो नहीं है घर पर, तो इसी से काम चला लेंगे। अब ये जितने बिस्किट हैं इसको हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। तो ये हमने एक साफ बॉल ले लिया है, और अब इसमें हम जितना भी हमने लिया है सबको इसमें डाल देंगे। शायद इसको मुझे और पीसना पड़ेगा, ये सब कुछ अच्छे से ऐसे रह गए, इसको शायद मुझे और भी पीसना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा लेकर और पीस लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से पिसे हुए होने चाहिए, और पिसे हुए नहीं है तो मुझे शायद फिर से पीसने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनल एकदम पिस के रेडी है, और बस अब इसको इसमें हम दूध वगैरह मिला के इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मैं इसमें डाल के मिला देती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, मेरे को खुद नहीं आइडिया कैसा बनेगा, पता नहीं। जैसा भी बनेगा ना दोस्तों वो बन जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब इसको हम कुकर पे चढ़ाएंगे। सबसे पहले तो जो खाली कुकर है इसको हम चढ़ाएंगे यहाँ पे गरम होने के लिए। और यहाँ देखिए, मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ जो गंदा हो गया है। बर्तन भी कुछ पड़े हैं, उसको भी मुझे धुलने हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ किचन के पास खड़े होकर अपने केक बनने का इंतज़ार कर रही हूँ, और तरह तरह के पोज दे रही हूँ टाइम पास। और साथ ही ये मैं अपनी नींबू पानी पी रही हूँ। ये दोस्तों, केक ने निकाल लिया है, ये सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। लेकिन ये सॉफ्ट है ये, अब इसको चलिए निकाल लेते हैं प्लेट में। जो मैंने रखा था ना, अब मैं इससे क्या कर ले रही हूँ। मम्मी चलिए केक काटने। हाँ उस वाले में एल्युमिनियम वाला बनाया। हाँ नहीं यार, एल्युमिनियम इसी में जैसे कुकर में बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाए एल्युमिनियम वाले में डाल के। अच्छा, लेकिन यार पता फूला नहीं है, हम लोग तो इनो नहीं डाले थे ना, बेकिंग सोडा बेकिंग डाले बेकिंग सोडा डाले थे, बेकिंग पाउडर डाले थे, नींबू भी डाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं फूला। लेकिन एक चीज़ देखो, ये है मतलब अच्छे से बन गया है ना शेप वगैरह में, ये नहीं कि खराब वराब हो गया, टूट टाट गया हो। थोड़ा हार्ड भी हो गया है, फ्लफी नहीं, ब्राउनी की तरह बन गया है। हाँ ब्राउनी की तरह ब्राउनी
कोई बात नहीं, ब्राउनी समझ के यार देखो दीदी दिखने में अच्छा लगा है, एकदम शेप में है ना, देखो एकदम परफेक्ट मैंने काम किया है इस पे, पतला सा मतलब ऐसा नहीं है कि जल गया हो या मतलब कुछ उस बार की तरह नहीं चला कि मतलब पक्का ना हो कच्चा ना, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले हमने सोचा था कि दुकान से मंगाएंगे, फिर उसके बाद कहीं अभी लॉकडाउन में कहीं केक ही नहीं मिलेगा, अब जितना था यार उसे बना, मम्मी ने देखो क्या कर दिया, नारियल का भूजा था बाटा, ठीक अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारी आँखें लाल क्यों लग रही हैं? लाल लग रही हैं क्या, दिखाओ। तो चलिए ये छोटा सा मिनी केक जो है वो काट लेते हैं हम लोग, मम्मी हल्का सा काट लो, सब्सक्राइबर कम हो गया, बीच चीजें थोड़े दिन तो सरवाइव करना पड़ेगा बेटा, डोंट वरी। Happy Mother's Day. अरे ताली तो बजाओ खुशी। तो ये दोस्तों छोटा सा केक का पीस आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बन रहा है आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में पनीर की सब्जी, मम्मी शाही पनीर बना रही हैं। मम्मी कैसे बना रही है पनीर की सब्जी आप? कैसे बना रही है पनीर की सब्जी? कई बार तो बनाई हो तुम। आप कैसे बना रही है अभी? हम ये सबसे पहले पनीर को हल्का सा फ्राई कर रही है। मम्मी गैस गंदा है यार, तो अभी काम हो ही रहा है ना, जब काम हो रहा था मैं साफ कर दूंगा। अभी तो देखो लहसुन प्याज टमाटर काजू बादाम और वो थोड़ा सा वो ले लिए हैं, एक बड़ी इलायची छोटी इलायची दालचीनी, सबको मैंने क्या कर दिया यार, इधर देखो पहले सबको मैंने हल्का सा तेल में मतलब मैं बॉयल करके डालती हूँ, पहले आपने उबाल लिया इसको, थोड़ा सा बॉयल कर लिया, बॉयल करके सबको ग्राइंड कर लिया मिक्सर में, अब इसको इसमें तेल में डालूंगी। ठीक है, और इसमें क्या है ये देखिए, इसमें सेवई बन के रेडी है, मम्मी ये सेवई बन गया ना, ठीक है यार मम्मी ये सब खाएंगे तो हम और मोटे हो जाएंगे। नहीं मोटी होगी, कभी कैसे पुट ऑन कर लिया है भी। तो इसमें क्या पड़ेगा, हल्दी डाल दिए थोड़ा सा ये। अच्छा हम कल बोल ही रहे थे ना मम्मी की कुछ अच्छा नहीं खाने का, देखो अब ये बताइए जो आटा सना है उसका रोटी बनेगा कि पूरी बनेगा? पूरी बनाएंगे शाही पनीर, और वैसे तो रोटी अच्छा होता है, घी लगा हुआ रोटी जैसा कहो जो मन करता है मम्मी खाने का, लेकिन यार फिर सोचते हैं कि कितना खाएंगे तो क्या करना है, रोटी बना दें कि पूरी बना देंगे, रोटी में हल्का सा घी लगा देंगे? नहीं 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 पूरी खाओ जैसी इच्छा हो आपकी, और खुशी से पूछो शाही पनीर बन रहा है कि कौन सा पनीर बन रहा है? शाही पनीर। मम्मी थोड़ा उधर पानी गर्म कर ले साइड में, तो फिर रोटी पानी पियेंगी आप? गर्म पानी पियेंगी? रोटी अच्छा लगता है ना शाही पनीर के साथ? शाही पनीर पूरी के साथ नहीं अच्छा। खुशी खुशी जरा ये जरा सेवई वाला जो कटोरी उठा के इसमें जरा गर्म पानी चढ़ा दो। मम्मी आज एक लोगों ने क्या कमेंट किया था जब आप बता रही थी सुबह FB पे कि मदर्स डे पे? हाँ सही बात है, वो हमको अच्छा लगा कि उन्होंने कमेंट किया, उनको मैं अच्छा समझ, उन्होंने कहा कि ये एक दिन सोशल मीडिया पर माँ के फोटो लगेला से किछ नहीं है, सब दिन माता पिता के सेवा करियन और जहिना अपना माँ के सेवा करे छियन तहिना सासू माँ के सेवा करियन, बिल्कुल सही, हम अहाँ के पक्ष में छी जे केओ ई मैसेज पोस्ट कयलहुँ, बहुत बढ़िया सही बात छै, ई दिखावा करे से की छै, दिखावा से किछु नहि होइवला छै, हर दिन अपना सासू माँ के अपना माँ के समान, मतलब शादी के बाद तो लोग मायके में ना आबै छै सासुर में आबै छै, एकरा सासुर के जे माँ होइ छथिन वएह। इससे क्या होता है, बिल्कुल सही बात है कि भाई कर्म जरा इम्पोर्टेंट है स्टेटस, लेकिन आप देखो आज कितनी पॉजिटिविटी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, है कि नहीं भाई? हर आप जैसे हम फोन खोल रहे हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, सबने अपने अपनी मम्मी का स्टेटस लगाया तो अच्छा लगता ना, हाँ एक मूड चेंज हो गया, एक पॉजिटिविटी आ गई सबके अंदर, वो जोश रहता है कि नहीं सबने लगाया है हम भी लगाए, ये अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा। अभी इतने दिन से कोरोना के टाइम पे देखो कितना ज्यादा मतलब चेंज हो गया, सबका मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, सबने अपने अपने माँ को याद किया, सबने अपने माँ का फोटो स्टेटस में लगाए, तो बहुत अच्छी चीज लगाना चाहिए, लेकिन
बस ये है कि हाँ ये है कि फिर लगा के भूल मत जाओ, हमेशा दिल से उसका कद्र भी करना चाहिए। और ये देखिए छोला मसाला, छोले मसाला डाले वही पनीर में, पनीर मसाला है। अच्छा दिखाइए कहाँ है पनीर मसाला था वो, पनीर मसाला है मम्मी, वो छोला मसाला था। अरे पनीर मसाला है मम्मी, वो छोला ही मसाला था, पता है पनीर मसाला तो खत्म हो गया। अब कितने बार बोलवाओगी, हमारी तो आदत है ना। ठीक है तो दोस्तों इस मतलब मैं देखो मम्मी ये रेसिपी लोग अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इसमें छोले मसाला भी डाल सकते हैं। अरे सॉरी एक दीदी ने बोला था कि छोला मत बोलो छोले बोलो, बुलबुल दीदी ने बोला था। तो हाँ तो जो छोले मसाले इसमें पड़े हैं पनीर की सब्जी में, पनीर की सब्जी बनाई जा रही है। मलाई पड़ गया इसमें, थोड़ा अजीब लग रहा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार। नमक ठीक है मम्मी? अच्छा है, अच्छा है, नीक छो, बहुत नीक छो। एक बार हमको भी खिला दो तब। अच्छा है, बहुत अच्छा, पार्टी जैसा है, पार्टी जैसा अच्छा है। हाँ पार्टी जैसा अच्छा गाय, नीक छे ना गाय। चलो दीदी को चखा दो। हाँ तो हम रोज़े ना गई छोड़ी सब तो आपने खेबीन हैं, इसे में से एक चम्मच खिलाओ ऊपर, एक तो बस पनीर खिलाना हमको। तीन ही दो पनीर, तीन ही पनीर है, तीन पनीर नहीं खाए, किसी को तीन नहीं दिया जाता है। मम्मी ने तुमको तीन दे दिया, इसका मतलब तुम मम्मी की दुश्मन हो। अरे खास दोसी पनीर में खाओ ना। अच्छा खा रहे रुको। अच्छा है यार ग्रेवी। अच्छा है, बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर। मम्मी बड़ नीक छो। इसमें नमक बिल्कुल बैलेंस में है, सारे मसाले बिल्कुल बैलेंस में है, ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। जो इसमें दही डाला गया है या मलाई, जो डाला गया मलाई जो डाला गया है उसमें, उसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है, कच्चापन का टेस्ट नहीं आ रहा है, सारे मसाले अच्छे से घुले मिले हैं इसमें, और बहुत अच्छा है ये शाही पनीर, वेरी नाइस। पनीर बहुत सॉफ्ट है, सो पनीर अच्छा, पनीर इज ऑलरेडी सॉफ्ट बाय नेचर, वो पैदा ही सॉफ्ट हुआ है। नहीं कभी कभी पनीर थोड़ा सा वैसा टाइट हो जाता है। क्या पागल हो, ऐसे क्यों करें? ये किसका फोटो है? हमारा नाना नानी के, पापा के नाना नानी मामी सब छथिन। अच्छा मामी से सब्सक्राइब करवा दियो ने कर चैनल। तो ये दोस्तों देखिए बन के तैयार हो गया हमारा फाइनली शाही पनीर। शाही पनीर ये हाथ का छावाड़ा है देखो, और उसके बाद ये सेवई मीठे के लिए। तो ये दोस्तों लग गया हम सबका खाना, और आप सब भी खा लीजिए, जल्दी आ जाइए दोस्तों, और बताइए खा के कैसा बना है। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप चलिए कमेंट सेक्शन देखते हैं।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए होगी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स का देख लेती हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो कमेंट किया था, तो सबसे कमेंट जो था वो पुष्पा देवी जी की आईडी से था, शायद ये मेरी मामी है, और प्रज्ञा ने शायद ये मैसेज किया था कि वेरी नाइस और ये लड्डू कैसे बनाते हो। तो ये जो लड्डू है ये इसका वीडियो एक बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी अपने इस वाले वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो का लिंक डालूँ ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा रेसिपी बता दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है और ये रेसिपी मुझे एक बार पापा से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने कितना अमाउंट क्या क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ किया हुआ था, तो वो मैं वहाँ पे उस वीडियो में जाके मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मौसी ने कहा था कि मतलब बहुत, हाँ ऑब्वियसली मौसी आपने बिल्कुल सही कहा था, ब्लॉग मुझे डेली डालना चाहिए, क्योंकि नहीं डेली तो एटलीस्ट कम से कम एक दिन के गैप पर तो डालना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेनटेन करना, बट हो नहीं पाता है क्योंकि इस ये वाला वीक तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, इतना काम था, टाइम ही नहीं मिल पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई टू डू दैट विद कंसिस्टेंसी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट मम्मी का था, वेरी वेरी नाइस क्यूटी, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेंट डॉक्टर रहमान जी की आईडी से है, इन्होंने लिखा है वेरी नाइस, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं बहुत खुशी हुई आपको, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही आप सब हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।